हाय फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी से किचन टिप्स, अदर यूजफुल टिप्स। वीडियो हमेशा की तरह बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो यकीन मानिए इससे आप जरूर कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे। समय के साथ साथ आपके पैसों की भी बचत होगी और आपके काम भी फटाफट से निपट जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे, देख लेते हैं पहला हैक क्या है, जो कि बहुत ही अच्छा है। अच्छा फ्रेंड्स, इस तरीके की जो बॉटल्स होती हैं, तेल की हो या बिस्लेरी की हो, कोई सी भी हो, हम इसे वेस्ट समझ करके फेंक देते हैं। जब एक बार खाली हो जाती है तो हम इसे वेस्ट समझ के फेंक देते हैं, लेकिन आज हम इसे फेंकेंगे ना, इसका बहुत अच्छा सा यूज़ करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर बॉटल को हमने ऊपर से कट कर लिया। इन कट करने के बाद से कैंची की मदद से इस तरीके से इसको कट करके हमें एक छोटा सा हिस्सा निकाल लेना है। इसकी मदद से हम बहुत अच्छा सा एक टूल बना के तैयार करेंगे फ्रेंड, जो कि आप हमेशा यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, छोटा सा बोतल का जो टुकड़ा है वो हमारे पास है, और अब हमें लेना है यहाँ पे एक जूना, जो इस तरीके का जूना होता है जिससे हम बर्तन क्लीन करते हैं, ये वाला जूना लेना है। और इसके जो रेशे ये निकले होते हैं, बस ये वाला रेशा हमको चाहिए। तो बस इस तरीके से हाथों से अच्छे से इसको खींच देंगे और ऐसे डबल साइड में फोल्ड कर देंगे, देखिए इस तरीके से। और उसके बाद से क्या करना है, जो ये हमने जूने का रेशा लिया था, इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पे जो बॉटल का टुकड़ा है उसमें हम इसको चिपकाएंगे। देखिए इस तरीके से करके बस यहाँ पे ऐसे अटैच कर देना है। तो बहुत ही सिंपल सा है फ्रेंड्स, बनाने में बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं लगेगा, लेकिन ये इतना अच्छा यूज़फुल टूल होता है कि आप इसको हमेशा ही यूज़ करना पसंद करेंगे। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा से एक टूल बन के तैयार हो गया है। अब चलिए बताते हैं आपको किस तरीके से इसको यूज़ करना है। अच्छा, आपने देखा होगा एक प्रॉब्लम जो सभी के साथ में होती है, वो ये होती है कि कभी भी हम, अगर मान लीजिए रात में हमें सुई में धागा डालना है, या फिर जो घर में बड़े लोग होते हैं, बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं, आपने देखा होगा जब भी वो कुछ भी सिलने की कोशिश करते हैं तो बहुत ज़्यादा उनको दिक्कत होती है। आई साइड की वजह से, आई साइड वीक हो चुकी होती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, खास करके कोई भी सिलाई वाला काम करने। तो ऐसे में क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो आती है सुई में धागा डालने को लेके, चाहे वो मशीन में सुई में धागा डालना हो या फिर इस तरीके से सुई में धागा डालना हो। तो आपने देखा कितनी अच्छी तरीके से हमने इस टूल को यूज़ किया सुई में धागा डालने के लिए। इससे आप भी बहुत अच्छी तरीके से सिर्फ एक बॉटल की मदद से सुई में धागा डाल सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा है और आराम से डाल पाएंगे। आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, आप बहुत अच्छी तरीके से इस टूल को यूज़ कर पाएंगे। जो मार्केट में, यानी कि जो मशीन के साथ जो टूल मिलता है, वो इस तरीके का होता है। अगर आपके पास ऐसा नहीं है तो जैसा हमने घर में बना के तैयार किया है, आप आराम से इस तरीके का टूल बना सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी सी एक टिप्स, जिसकी मदद से आप अपने घर में दिवाली की सफाई बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं फ्रेंड्स, बिना किसी टेंशन के, वो भी सिर्फ एक बोतल की मदद से। किस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं सफाई करने के लिए, चलिए फ्रेंड्स आपके साथ शेयर करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे एक खाली बॉटल ली है। आप यहाँ पे कोई सी भी बॉटल ले सकते हैं, इस तरीके की बॉटल ले सकते हैं, जो तेल वाली होती है वो, या फिर जो पानी वाली बॉटल होती है बिस्लेरी की, वो भी आप ले सकते हैं। वो भी ना मिले तो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल ले लीजिएगा। अब क्या करना है, बॉटल का जो नीचे वाला हिस्सा है उसको कट करके अलग कर देंगे। और उसके बाद से क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पर कैंची की मदद से पतली पतली सी स्ट्रिप्स की कट कर लेनी है, यानी कि पतली पतली सी स्ट्रिप कट कर लेनी है बॉटल की। जितनी ही पतली पतली आप स्ट्रिप कट करेंगे, उतनी ही अच्छे तरीके से इस बॉटल से आप सफाई कर पाएंगे। तो देखिए, जितना हो सके हम यहाँ पे पतली पतली से स्ट्रिप निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा होगा, बहुत बार क्या होता है, घर में काफ़ी सारे जाले हो जाते हैं, और जालों को हटाने के लिए कई बार हमें झाड़ू का यूज़ करना पड़ता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि झाड़ू जो है छोटी होती है, हमारा हाथ इतना ऊपर तक नहीं पहुँच पाता है। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, ऐसे में आप इस टूल का यूज़ कर सकते हैं। इसकी वजह से, इसकी मदद से आप बहुत अच्छे से अपने, आपके घर में जितने भी जाले वगैरह हैं, बहुत अच्छे से आप क्लीन कर पाएंगे, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, और साथ ही साथ में जाले जो हैं इस बॉटल में बिल्कुल भी उलझेंगे भी नहीं। तो बहुत अच्छे तरीके से आप इसको क्लीन कर सकते हैं फ्रेंड्स। जब आपका काम हो जाए फिर आप इसे वॉश करके रख दीजिए। तो यहाँ पर देखिए, हमने सारी स्ट्रिप पतली पतली सी कट करके तैयार कर ली है। और उसके बाद से क्या करना है, यहाँ पे चाहिए आपको एक लकड़ी का डंडा, जो कि थोड़ा सा बड़ा हो, जितना बड़ा आप रखना चाहते हो उतना बड़ा आप रख लीजिएगा, क्योंकि दीवारों पे बहुत बार छत जो होती है वहाँ पे काफ़ी सारे जाले लगे होते हैं, तो उस हिसाब से आपका हाथ पहुँच सके उतना बड़ा डंडा आप इसमें लगा लीजिएगा। और उसके बाद से क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में, बॉटल को ऊपर की तरफ से थोड़ा सा इस तरह से प्रेस करेंगे। प्रेस करने की वजह से क्या होगा, ये थोड़ा चिपक जाता है आपस में, जिसकी वजह से बहुत ही अच्छे तरीके से क्लीनिंग हो पाती है। तो इसको थोड़ा सा दबाना ज़रूरी है, थोड़ा सा दबा देंगे तो बहुत अच्छे तरीके से चिपक जाएगा, और साथ ही में
जो डंडा हम इसमें लगाने वाले हैं वो बिल्कुल भी निकलना नहीं चाहिए, यानी कि बिल्कुल भी ढीला नहीं होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा सा टूल बन के तैयार हो गया। आप इसकी मदद से बहुत अच्छी तरीके से क्लीनिंग कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसकी मदद से जो झाड़ू होती है उसको भी आप लगा सकते हैं, जो मोटा मोटा कचरा होता है वो आराम से निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, हमारे यहाँ पे जो छत है किचन की, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जाले वगैरह हो रखे हैं, तो यहाँ पे आप इसकी मदद से बहुत अच्छी तरीके से सारे के सारे जो जाले हैं वो निकाल सकते हैं। देखिए कितनी आसानी से यहाँ पे हाथ पहुँच जा रहा है। हम अगर झाड़ू से कोशिश करते हैं इसको निकालने की, तो कई बार क्या होता है, हमारा हाथ जो है वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। तो उम्मीद करते हैं वाली टिप्स आपको ज़रूर से पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और देख लेते हैं अगली टिप्स कौन सी है, जो कि इसी की तरफ बहुत ही यूज़फुल है और उसको भी हम बॉटल की मदद से ही बनाएंगे। तो उम्मीद करते हैं टिप्स अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स। अच्छा, अगर अभी तक आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो हमारी अगली टिप्स जो है फ्रेंड्स, वो है सिलाई मशीन के डिब्बे को लेकर के। देखिए, अगर आप डेली बेसिस पे सिलाई करते हैं तो क्या होता है, बहुत बार आपके पास इतना टाइम नहीं रहता है कि आप डिब्बे को बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखें, जिसके वजह से क्या होता है, हम इसी तरीके से फेंक देते हैं सारी चीज़ों को, जो कि आपस में एकदम उलझी रहती है। तो ये देखने में बिल्कुल भी सही नहीं लगता है। सारी सुइयाँ इसमें पड़ी हैं, सारे धागे जो हैं वो भी पड़े हैं, चौक वगैरह सब कुछ आप देख सकते हैं कितना बिखरा हुआ है ये डिब्बा, जो कि देखने में बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है। तो आज हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ करने वाले हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले तो जो हमारे पास इंची टेप है, दो दो इंची टेप है, तो इसमें टेप रबड़ बैंड लगा के रख देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, इंची टेप बार बार खुलेगा नहीं। जब हमको ज़रूरत होगा तब यूज़ करेंगे, फिर वापस ऐसे ही बंद करके इसको यानी कि लपेट के रख देंगे। और बाकी जो चीज़ें हैं वो भी हम अलग अलग कर लेंगे, जैसे कि इसमें जो सुई है वो भी अलग कर लेंगे, धागे हैं वो भी अलग कर लेंगे, और चौक वगैरह जितनी चीज़ें पड़ी हुई हैं, ये फिरकी वगैरह सब कुछ अलग हम रख लेते हैं। और देखिए कितनी सारी सुइयाँ इसमें पड़ी हुई हैं। अगर इस तरीके से आप भी सुई रखते हैं फ्रेंड्स, तो ये बहुत गलत तरीका है सुई रखने का, क्योंकि कभी भी आप अगर डिब्बे में हाथ डालते हैं तो इससे क्या होता है, कई बार आपको चुभने का डर रहता है, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो इसको ऑर्गेनाइज करके रखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमने एक मैग्नेट लिया था और इसकी मदद से सारी सुइयों को इकट्ठा कर लिया है। अब क्या करना है चलिए बताते हैं। यहाँ पर लेनी है एक डबल टेप, थोड़ी बड़ी सी डबल टेप लीजिएगा, ये एक्स्ट्रा पार्ट था तो हमने इधर चिपका दिया है इसको। अब हम यहाँ पे लेंगे थोड़ी सी बड़ी डबल टेप और इसको पूरे डिब्बे में अच्छे से लगा देंगे। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे से आप अपने सिलाई मशीन के डिब्बे को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने डबल टेप लगा दिया है। अब क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास जितनी भी रील है यानी कि जितने भी धागे, उन सबको इस तरीके से अच्छे से इसमें चिपका करके रख देंगे। इससे क्या होता है, बहुत ही अच्छे से सारी की सारी रील जो है ऑर्गेनाइज रहती है, देखने में भी सुंदर लगता है और डिब्बा बिल्कुल भी भरा भरा नहीं लगता है। आपको जब भी धागे की ज़रूरत हो निकालिए, यूज़ कीजिए और वापस से इसी तरीके से टेप में चिपका दीजिए। आप एक बार इस डिब्बे को बना लेंगे, यानी कि एक बार अगर इस तरीके से चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर लेंगे तो ये डिब्बा हमेशा ही ऐसे ही रहेगा, कभी ख़राब नहीं होगा। तो बार बार आपको, कई बार ऐसा होता है कि डिब्बा बहुत ज़्यादा भरा रहता है तो चीज़ें हमें ढूंढने में भी बहुत दिक्कत होती है, लेकिन अगर आप अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखेंगे तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, आपका काम भी आसान हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे इंची टेप वगैरह भी रख दिया है बीच में, और उसके बाद से साइड में थोड़ा सा टेप हम और लगाएंगे, जिसकी वजह से जो ये फिरकी वगैरह है यानी कि जो हम लगाते हैं डिब्बी, जो धागे वाली फिरकी होती है, इसको भी हम इसमें इस तरीके से लगा देंगे, ताकि हमको ये भी पता रहेगा कि हमारे पास कितनी फिरकी हैं। और उसके बाद से क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा टूल था जिससे हमने धागा डाला था, उसको भी इसमें इस तरीके से चिपका देंगे, ताकि ये भी कभी भी मिसप्लेस ना हो, जब भी हमको ज़रूरत हो तब हमें मिल जाए। देखिए फ्रेंड्स, सिलाई करना बहुत ही पेशेंस का काम है, लेकिन जब हम सिलाई करने जाएँ और इस तरीके से चीज़ें अस्त व्यस्त हो, तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाती है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं होता है। पहले ही मूड ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा काम भी ठीक से नहीं हो पाता है। तो इस काम को करने में थोड़ा पेशेंस लगता है, और इसको अगर आप अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके अच्छी तरीके से करेंगे तो आपका काम भी अच्छे से होगा। तो देखिए, सबसे पहले तो छोटी सी डिब्बी हमारे पास, इसमें हम सिलाई मशीन की जो सुइयां हैं उसको डाल देंगे, और उसके बाद से बाकी जो जितनी एक्स्ट्रा सुई हैं उसको हम अलग कर लेते हैं। अब इसको किस तरीके से रखना है चलिए बताते हैं। इसके लिए भी फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी डबल टेप की। डबल टेप की मदद से बहुत अच्छे से आप इसको ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो थोड़ा सा डबल टेप लेंगे और जो डिब्बे का ढक्कन है इसमें हम इस तरीके से इसको लगा देंगे। सुई को कभी भी डिब्बे के ढक्कन में ही लगाइएगा, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत सेफ़ रहती हैं और चुभने का डर नहीं रहता है। अगर आप डिब्बे में डाल के छोड़ देंगे तो बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आप कुछ भी निकालने के लिए डिब्बे में हाथ डालेंगे तो चुभने का डर रहता है, तो जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो आप इस तरीके से सारी सुइयों को, जितने भी क्लॉथ पिन हैं, सबको अच्छी तरीके से इसमें लगा करके रख दीजिएगा।
तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा सा हमारा सुई धागे का डिब्बा जो है वो बन के तैयार हो गया। और आप देखिए हमने इसको कितने अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखा है। अब हमें जब भी जिस भी चीज़ की ज़रूरत होगी हमें आराम से मिल भी पाएगा और साथ ही साथ हमें पता रहेगा कि इस डिब्बे में क्या क्या है।